देश की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है। युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए यह स्कीम लाई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पर भर्ती किया जाएगा। सेना में कौन और कैसे अग्निवीर बन सकेंगे, इसे हम आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सेना इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी और कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास युवा आवेदन करने के पात्र होंगे। सेनाओं ने स्पष्ट किया कि अब केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही सेना में भर्तियां ली जाएंगी और पूर्व की भर्ती प्रणाली खत्म होगी। भर्ती कुल 4 साल के लिए होगी और अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट कमीशन पर रखा जा सकेगा। इस दौरान पहले साल 30,000 से लेकर चौथे साल 40,000 तक का पैकेज अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा जोखिम राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। 4 साल के बाद आयकर से मुक्त 10.4 लाख की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का भी लाभ मिलेगा। 4 वर्ष का टेन्योर पूरा करने के बाद उम्मीदवार अन्य सामान्य नौकरियां कर सकेंगे। 4 साल के बाद उम्मीदवार रेगुलर काडर के लिए वॉलंटियर भी कर सकेंगे। सेना में पद रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती भी दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।